मोबाइल से ले लो। यहीं पे निकाल देता हूँ, चलेगा टेबल पे चलेगा ना। थोड़ा पीछे संजय, सेंटर में संजय, थोड़ा सा पीछे। अरे ये शरीर का अच्छा रहेगा। आराम से, आराम से। अच्छा अच्छा गुरु, आराम से, आराम से। अच्छा तू कर ले। नहीं नहीं, कर 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 मार मार, यहाँ से स्टार्ट करो मैम। मार मार, ऊपर हो जा, मार मार मार। अगर यदि यहाँ पे वो बैग निकाल देना सामने आपके, मेरे पास सेंटर मैम। अका जी सामने आपके, थैंक यू। हो गया भाई, क्या करो अभी, इनको मिलेगा नहीं ना पिक्चर। पिक्चर मिलते नहीं ये अपने ठाकुर। अरे ले मैम, ये ठाकुर नहीं था, पीजे ठाकुर जी। चॉकलेट भी सच जाता है, चॉकलेट बस एक ही। उत्तम भाई, उत्तम भाई, नीरव ठीक यार। आप लोगों के लिए भाई चलो, तो पीछे देखो नहीं कुछ लाइटर, लाइटर नहीं है। हेलो रेडी। अरे ये पीछे पंखा है, ये वहां पे कोई तू मरोगे ना। अरे कितना है, थोड़ा पीछे आ जाना, थोड़ा पीछे आ जाना। क्यों इतना आगे जा रहा है संजय, तू यहाँ पे खड़ा हो ऐसा बोल रहा। कैमरा पीछे लो ना, सर को सर बट्टे याद नहीं है सर, आ जाओ। गुरु गुरु, अरे गुरु उठ जा ना यार, अरे तो बैठ बाजी।
पाजी 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 उठो यार, खड़े खड़े हो जाओ तुम। पाजी खाओ यार, पाजी आओ, पाजी आओ, पाजी आओ। देयर इज द लाइटर। थैंक यू मैम। अभिषेक इधर धीरे धीरे बचाओ अभिषेक। I'm really happy that Rangbaz has finally released and people are loving it. बहुत अच्छा लग रहा है और जब बर्थडे से ऐसा लग रहा है जैसे एडवांस बर्थडे गिफ्ट मिल गया हो। सो अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। सो रियली वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। बर्थडे का डे तो हर किसी के लिए स्पेशल होता है, सो आज का डे कैसे स्टार्ट किया है कुछ आपके फैंस को बताना चाहूँगा। आज का डे नॉर्मली जैसे स्टार्ट होता है वैसे स्टार्ट हुआ है। विशेज़ मिली हैं, आप लोगों के साथ केक कटिंग का मौका मिला है। सो आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि आज का दिन स्पेशल था क्योंकि आप लोगों के संग जो हमेशा बिहाइंड द कैमराज रहते हैं आज उनके संग सेलिब्रेट करने का मौका मिला। सो इट्स रियली नाइस। बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं व्हेन यू आर शूटिंग फॉर अ शो लाइक दिस, जिसे ऑलरेडी एक रेपुटेशन है, ऑलरेडी लोगों का इतना प्यार मिला हुआ है और जब उसका थर्ड सीज़न आ रहा है तो लोगों में थोड़ी एक्साइटमेंट है ऑलरेडी क्योंकि एक फ़ैन बेस है। तो आपको थोड़ा प्राउड फील होता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि जो आप डिलीवर कर रहे हैं वो फुलफ़िल हो और उनको वो अच्छा लगे। अगर मैं ऑफ कैमरा बात करूँ तो एक फैमिली की तरह शूट किया है। द होल टीम जिनकी भी आप बात करें, चाहे वो विजय मौर्य सर हो, राजेश तेलंग सर हो, गीतांजलि मैम हो, विनीत हो, जब भी हम सब साथ होते थे सेट पे तो एक मज़ा होता था, एक फैमिली की तरह काम किया और वो दिखता भी है। मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि मेरा जो भी काम हो वो एक दूसरे से अलग हो एंड आई ऑलवेज फील दैट मैं अपने आप को रिपीट ना करूँ, कुछ ऐसा करूँ जो नया हो, हमेशा कोई किरदार नया हो। तो सना बिल्कुल अलग है, अगर आप परंपरा देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग है और परंपरा ऑलरेडी उसका जो सेकंड सीज़न है वो ऑलरेडी हिट हो चुका है तो लोग पूछ रहे सीज़न 3 का क्या है। बट आई एम श्योर दैट जो भी मैं आगे करूँगी वो अलग ही करूँगी और कोशिश करती हूँ कि अलग चुनूँ। आई थिंक इट्स ऑलवेज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं वही आकांक्षा हूँ जो आज से जिसने इस जर्नी स्टार्ट करी थी, मैं आज भी वही हूँ। मैं आज भी हर प्रोजेक्ट को उसी तरह देखती हूँ कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और मुझे उतनी ही दिल लगा के मेहनत करनी है। और अगर आप बात करें लोगों से बात करने की या डाउन टू अर्थ होने की, तो आई थिंक वो शुरू से है और मैं वैसी ही हूँ। वेल, लोग तो ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में वो आपको और भी कौन से अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? एक फिल्म है साउथ की शिवरू, वो आएगी। एक है मीट क्यूट जिसमें पूरी कास्ट जो है वो फीमेल कास्ट है और सारी कहानियाँ फीमेल कास्ट के ऊपर है, उसमें से एक कहानी मेरी है। इट्स एन एंथोलॉजी फिल्म, वो आने वाली है। और अभी रंगबाज की सक्सेस का इंतज़ार है कि लोगों को बहुत पसंद आए और इसे और प्यार दें। फैमिली और फ्रेंड्स के कुछ कमेंट्स अगर आप शेयर करना चाहती हो आपके रंगबाज का ट्रेलर आउट होने के बाद, आज तो काफ़ी लोगों ने देख भी ली होगी। जी मेरी फैमिली आज देख रही है, कल रात को ही वो रिलीज़ हुआ, तो मतलब
आज वो देखेगी और वेट कर रही हूँ कि वो क्या उनके क्या रहेगा, क्योंकि ट्रेलर के बाद तो बहुत प्यार मिला है. अब जब सीरीज सामने है तो आपको इंतज़ार रहता है. अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है, अभी पता चलेगा कि लोगों को कितना पसंद आ रहा है या कितना नहीं. बिल्कुल सिंपल सोबर तरीके से मैं सुबह से घर पे ही थी. मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ऐसा कुछ खास सोचा नहीं है, पर देखते हैं. लाइक मैं प्लान नहीं करती, आई जस्ट फील दैट हाँ ये स्पेशल है, पर लोग आपके पास पास स्पेशल बनाते हैं, तो जस्ट फैमिली के साथ स्पेंड करने का सोच रही हूँ. बहुत सारे हैं कोई एक चुनना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे हैं. मुझे हमेशा से इच्छा है कि मैं महारानी गायत्री देवी की बायोपिक करूं, कुछ ऐसा करूं जिसमें मुझे वॉरियर प्रिंसेस करने का मौका मिले, ताकि मैं अपनी हॉर्स राइडिंग स्किल्स का यूज़ कर सकूं, क्योंकि मैं हॉर्स राइडिंग जानती हूं. तो ऐसी बहुत सारी इच्छाएँ हैं. ये तो सिर्फ मैंने आपको एक दो चीज़ें बताई है, पर अभी तो बहुत काम करना बाकी है. कभी मैंने सोचा नहीं है. मैं वेरी वेरी आई थिंक पर्सन हु इज़ अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्सीज एंड बट आप कहते हैं ना नेवर से नेवर, बट कभी सोचा नहीं है, देखते हैं. हाँ, खतरों के खिलाड़ी मिला तो ज़रूर कर सकती हूँ. जिस तरीके से आपने खतरों के खिलाड़ी की बात की, तो ऐसा टास्क देखा था जिससे ऐसा लगा है कि नहीं ये आई थिंक जो सिर्फ डर है वो मुझे कीड़े मकौड़ों और छिपकलियों से डर है. बाकी आई थिंक आई हैव विल पावर कि मैं कर सकती हूँ. सो लास्टली सभी फैंस के लिए क्या मैसेज होगा आपके? मैं ये कहना चाहूँगी कि रंगबाज फाइनली रिलीज हो गई है और आप जाके परंपरा भी देख सकते हैं, एंड देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट व्हिच यू कैन सी जिसमें मैं हूँ. तो प्लीज़ जाइए और अपना पूरा पूरा प्यार दीजिए. थैंक यू.